हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो आज के ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स में मूवमेंट आ सकता है, उन स्टॉक्स के बारे में, और इन स्टॉक्स पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहला स्टॉक है इंडिया वुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक, और इस स्टॉक पर अभी स्टॉक 125 रुपए 70 पैसे पर है, ठीक है, और संभावना है स्टॉक कल ऊपर जाएगा और ऊपर 130 रुपए के लेवल तक जा सकता है, और दूसरा लेवल इस स्टॉक के लिए 132 रुपए का होने वाला है। इधर आप स्टॉक इस स्टॉक में 124 रुपए 95 पैसे का स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि आप 125 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। दूसरे स्टॉक के बारे में बात करेंगे। दूसरा स्टॉक है एफडीसी, दूसरा स्टॉक है एफडीसी, और इस स्टॉक में अभी मैं बात करने वाला हूं। तो ये स्टॉक अभी अपने सपोर्ट को, सॉरी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ठीक है, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है। अगर कल स्टॉक कंटिन्यू अपने इसी लेवल को, यानी कि अपसाइड में मूवमेंट को जारी रखता है, तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस होगा 338 रुपए का, ठीक है। अभी 340 पर ट्रेड कर रहा है और टारगेट होगा आपके लिए 350 रुपए का। इस स्टॉक में दो लेवल, यही लेवल है, ठीक है। अगले स्टॉक की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है फ्रेंड्स महाराष्ट्र बैंक, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बैंक है। महाराष्ट्र बैंक में भी कल मूवमेंट आ सकता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कल मूवमेंट आ सकता है। स्टॉक अभी अपने सपोर्ट पर है, अभी अपने सपोर्ट पर है, उसी के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अगर मैं बात करूं स्टॉक के स्टॉप लॉस की, तो फ्रेंड्स स्टॉप लॉस आप लेकर के चल सकते हैं 300, सॉरी 300, बाय मिस्टेक निकल गया, 33 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस, ठीक है। और आपके लिए जो टारगेट है, वो टारगेट मैंने शायद उस दिन भी दिया, उस दिन स्टॉक में मूवमेंट नहीं आ पाया था किसी कारण से, लेकिन संभावना है कि कल स्टॉक आपको लगभग 35 और 36 रुपए के टारगेट्स दे सकता है, ठीक है। अगले स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक है। इस स्टॉक में कल अपसाइड में मूवमेंट आ सकता है, और यह स्टॉक अभी एक पैटर्न सा बनाया है इसने, ये पैटर्न है, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, एक डब्लू पैटर्न बन रहा है, और इसकी अगर मैं नेकलाइन की बात करूं तो ये नेकलाइन है, ठीक है। जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होगी, आपको इसमें एक एंट्री का मौका मिल जाएगा, ठीक है, एक एंट्री का मौका मिल जाएगा, और आपके लिए 58.95 यानी कि 59 रुपीज का टारगेट हो सकता है। इस स्टॉक में आप स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे 57 रुपए 30 पैसे का, 57 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। अगर स्टॉक नीचे खुलता है और रिकवरी देता है तो फिर आपको एक एंट्री पॉइंट मिल जाएगा, तो ध्यान रखेंगे इस स्टॉक को भी। और अगला स्टॉक है बलरामपुर चीनी मिल, तो बलरामपुर चीनी मिल का देख लेते हैं। बलरामपुर चीनी मिल में अभी स्टॉक अपसाइड में क्लोजिंग हुई है, ठीक है, अपसाइड में क्लोजिंग हुई है और सपोर्ट के ऊपर है। स्टॉक अभी 403 रुपए 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो फ्रेंड्स इस स्टॉक में आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं 402 रुपए का, ठीक है, 402 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। और अगर मैं टारगेट की बात करूं तो आपको टारगेट 416 रुपए तक के टारगेट और अगला टारगेट 426 का देखने को मिल सकता है, हालांकि 416 तक इंट्राडे में जा पाएगा, ठीक है। तो इन स्टॉक्स पर ध्यान रखें फ्रेंड्स, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहिए। एक फ्रेंड्स का कमेंट आया था कि जो लेवल्स हैं, टारगेट्स वगैरह हैं या प्राइस है, वो डिस्प्ले पर शो करने के लिए, तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास सिस्टम नहीं है जिससे हम, हमारा सिस्टम एडिटिंग को झेल नहीं पाएगा, छोटा है अभी जो हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप से मैं वीडियो बनाता हूँ, तो जैसे ही उपलब्ध हो पाएगा बड़ा सीपीयू एडिटिंग के हिसाब से, तो हम उस तरह का करने का प्रयास भी करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, धन्यवाद।
राम राम, सपोर्ट करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए जिससे हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास कर सकें। ठीक है।